पांच सांसद बिहार से चुनाव जीतकर आए थे। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए 6 सांसदों को, यूपी के चेहरों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, यहाँ पर मंत्री बनना लगभग इनका तय है। सूत्र बता रहे पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल का भी नाम, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा इस मंत्रिमंडल में अहम हिस्सेदार होंगे। मोदी मंत्रिमंडल की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से 6 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर देखिए जितिन प्रसाद, राजनाथ सिंह के नाम पर देखिए कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो प्रबल तौर पर ये जो संभावना है इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के ये अहम जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी से 6 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें राजनाथ सिंह सबसे प्रबल यहां पर देखे चेहरा। इसके साथ साथ पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की, और इसके साथ साथ जयंत चौधरी आरएलजी के अध्यक्ष, और बीएल वर्मा भी यहां पर देखिए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लगातार अमित भी बने हुए, अमित उत्तर प्रदेश का जिक्र हम वक्त वक्त पर करते आए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस चुनाव की, 2024 में प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद देखिए 6 सांसदों को जगह मिल सकती है, ये फिलहाल खबर छनकर आ रही है कि 6 जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। शायद अमित से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, दोबारा से अमित से संपर्क साधेंगे। शुभम हमारे साथ कनेक्ट है। शुभम, देखिए 6 चेहरों को लेकर के यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 6 सांसदों को उत्तर प्रदेश के सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्या इसको लेकर के अभी तक पुष्टि? चर्चा चल रही थी जिसमें खास तौर से जितिन प्रसाद, राजनाथ सिंह और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, ये तमाम वो चेहरे जिनको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की जो कैबिनेट है उसमें जगह मिलने की बात कही जा रही है। अभी तक इन 6 नामों की ही चर्चा प्रमुख तौर पर है और ये 6 नाम लगभग समझिए तय हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चेहरे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अभी जो हमारे साथी बता रहे थे कि ये सब कुछ चाय की चर्चा के दौरान भी मौजूद रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी इन 6 नामों को लेकर के लगभग कह सकते हैं आपकी मोहर लग चुकी है। बाकी अगर कुछ नए नाम होने की बात, अभी फिलहाल कोई भी नया नाम और नहीं सुनाई दे रहा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 2014 में भी बड़ी संख्या में मंत्रियों की संख्या रहती थी, लेकिन इस बार सांसदों की संख्या कम होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल 6 चेहरों को ही जो है मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कही जा रही है। जितिन प्रसाद प्रमुख तौर पर आप समझिए कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह उनको टिकट दिया गया था, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जितिन प्रसाद को लेकर के। इसके अलावा हम बात करें पंकज चौधरी जो महाराजगंज से आते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर गए थे एक कार्यक्रम को लेकर के, तो उसके ठीक बाद पंकज चौधरी के आवास पर भी गए थे, तो ये बताया जाता है कि पंकज चौधरी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनसे वेल कनेक्टेड रहे हैं, हमेशा से उनसे बातचीत करते आए, उत्तर प्रदेश की भी चाहे राजनीति को लेकर के बात करते हो, तो पंकज चौधरी का नाम भी इसलिए ही इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरा, तीसरा नाम अगर हम बात करें तो अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने अपना चुनाव जीता और एनडीए में सहयोगी हैं, एकमात्र सांसद वो खुद है अपनी पार्टी से, तो लिहाजा उनको कैबिनेट में, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और इसके अलावा राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह, लंबे समय से राजधानी